कह रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ? और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी इकबाल महमूद साहब को, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम सब उनका बहुत आदर करते हैं, कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, बजट में कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में कुछ नहीं हुआ, जैसी अपेक्षा थी योगी जी से उस तरह का सीखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर अगर लब्बे लुआब में कहा जाए तो इकबाल महमूद साहब को मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा इकबाल साहब, मुझे लगता है सदन से चले गए हैं, लेकिन मजा इसलिए नहीं आ रहा, मजा आपको इसलिए नहीं आ रहा कि 2017 के पहले जैसे उत्तर प्रदेश में खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे सरकार डंके की चोट पर वापस लेती थी, आज वापस नहीं हो रहे, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। आगे किसको याद नहीं है, अयोध्या में, लखनऊ में, काशी में सीरियल धमाके हुए 2017 के पहले, बाबा संकट मोचन का जो दरबार था रक्त रंजित हो चुका था, काशी में दशाश्वमेध घाट रक्त रंजित हो चुका था, खून से सना पड़ा था, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल होकर अस्पतालों में पड़े थे। अधिष्ठाता महोदय, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो खूंखार आतंकवादी इन घटनाओं में शामिल थे, जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की, उसकी अनुशंसा की। लेकिन धन्य है इस देश की अदालतें, अदालत ने फटकार लगाई, अदालत ने नसीहत दी और यह कहा कि सिर्फ मुकदमे वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर दीजिए। इस तरह की स्थिति थी और इसलिए इकबाल महमूद साहब, आपको मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि तब आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जा रहा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा। और इसलिए मैंने देखा, 2 दिन पूर्व जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन देने आए थे और कैसे विपक्ष के हमारे साथी उन पर टूट पड़े थे, उन पर हमलावर थे, कह रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ? और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे जाबाज पुलिस के लोगों ने उमेश पाल का जो हत्यारा था उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह निश्चित तौर पे आपको यह समझना पड़ेगा कि यह 2017 के पहले की सरकार नहीं है। और हम सब जो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक तो मारा गया है, जो बाकी में बचे हैं वो भी बहुत जल्द मिट्टी में मिलाए जाएंगे, आप इस बात को नोट करके रखिएगा। हम सब ने देखा है कि आज उत्तर प्रदेश कैसे विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश में तरक्की नजर आती है। ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी लेकर आए हैं, यह बजट गरीबों को समर्पित है, यह बजट किसानों को समर्पित है, यह बजट हमारी माताओं बहनों को समर्पित है, यह बजट नौजवानों को समर्पित है। हमें तो वो क्षण याद आता है कि जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम संभाला था, काम संभालने के बाद जब सरकार का खजाना देखा तो पता चला कि नहीं, खजाना तो खाली है, सरकार के पास पैसा नहीं है। प्रतिबद्धता लेकर आए थे, संकल्प लेकर आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नहीं, हम विकास करेंगे, हम विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी कि खजाना 2017 के पहले जो सरकार थी उसने किस तरह से खर्च किया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गाड़ियों पर पैसा खर्च होता था, काफिलों पर पैसा खर्च होता था, आलिशान मकानों पर पैसा खर्च होता था। और मुख्यमंत्री जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे गांव, गरीब, किसान, नौजवान तक विकास की योजनाओं को लेकर पहुंचे। और ऐसे वक्त में, उस वक्त में मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, शुरुआत खुद से होनी चाहिए, आरंभ खुद से होना चाहिए। और हम सबको गौरव होता है कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम किया,
कि जब अधिकारी उनके सामने फाइलें लेकर गए और कहा कि साहब आप मुख्यमंत्री बने, आपके लिए भी नई गाड़ी आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पूछा क्यों आनी चाहिए, बोले परंपरा रही है, इसके पहले जो जो सरकारें आई हैं, जो जो मुख्यमंत्री आए हैं, उनके लिए नई नई गाड़ियां आती रही हैं। आप भी मुख्यमंत्री, आपकी सुरक्षा की बात है, नई गाड़ी आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि इसके पहले की गाड़ी कब आई थी, बोले 4-5 साल पहले आई थी। मुख्यमंत्री जी ने फाइल उठाकर फेंकी और बोले हमारे काफिले में जितनी गाड़ियां हैं उनको आधा कर दो, ये पैसा सरकार की जनता की सेवा में लगा दो, जनता के चरणों में लगा दो। वीवीआईपी कल्चर खत्म किया, सरकारी अफसरों को, सरकारी बाबुओं को समझाया कि अब बिजनेस क्लास में यात्रा नहीं चलेगी, अब आपको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, अब आपको जनता के दरबार में जाना पड़ेगा। जो अफसर 2017 के पहले बिजनेस क्लास में घूमते थे उनको इकोनॉमिक क्लास और ट्रेन की यात्रा पर लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और खजाना कैसे खाली था, अधिष्ठाता महोदय, खजाना कैसे खाली था, जरा कल्पना करिए। आदरणीय मनीष जी ने, आदरणीय संजय जी ने पूरा खाका रखा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कि जरा कल्पना करिए कि जो गरीबों का राशन था वो कहां जाता था, वो गरीबों का राशन गरीबों की थाली में नहीं जाता था, राशन माफिया के घर तक जाता था। आबकारी का जो टैक्स था, जो खनन का टैक्स था, आबकारी का टैक्स और खनन का टैक्स सरकार के खजाने में नहीं जाकर आबकारी माफिया के घर में जाता था, खनन माफिया के घर में जाता था, उनके राजनीतिक आकाओं तक जाता था। और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए, मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की, उसी का परिणाम है कि आज जो राशन है, आज जो अनाज है, वो गरीब की थाली में जा रहा है और आबकारी और खनन का टैक्स जनता के खजाने में जा रहा है। ईमानदारी से काम हो रहा है। महबूब अली साहब, आपको मजा नहीं आएगा, और आपको मजा इसलिए भी नहीं आएगा कि 2017 से पहले आपने हमारे आराध्य को टेंट के भीतर रखा हुआ था, टेंट के भीतर रखा हुआ था, भगवान राम टेंट के भीतर रहते थे, और जब बारिश में पानी पानी टपकता था, जब संत महात्मा कहते थे कि टेंट बदलने दीजिए, तो आपकी सरकार महीनों तक टेंट बदलने का आदेश नहीं देती थी। आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और करोड़ों की संख्या में दीपक जलते हैं, आपको मजा नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। आपने भगवान श्री कृष्ण को कैद करके रखा हुआ था, माननीय सदस्य भगवान 8 मिनट हो गया, माननीय सदस्य सलमणी जी 8 मिनट हो गया, चाहता महोदय 1 मिनट अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान श्रीकृष्ण की बात है, भगवान राम का तो मंदिर बन रहा है, भगवान श्रीकृष्ण का जो दरबार था उसको आपने कैद करके रखा था, वहां पर तमाम तरह की दुर्व्यवस्था थी, अराजकता थी। आज वहां पर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, होली का आयोजन होता है, भगवान राम कृष्ण का भी मंदिर सजगर तैयार है, आपको मजा नहीं आएगा।